का गम कैसी खुशी खड़ी रखे ना एक खड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। दिन रात इस सड़े से पेट्रोल पंप में मेहनत करके तेरे को पालने की कोशिश करता वो कुछ नहीं। तुम्हारी जैसी नौकरानियां तो यहाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन हम ठहरे यहाँ के परमानेंट ड्राइवर। कोई किसी से प्यार करे और उसे खुद इस बात का पता ना हो। नहीं नहीं, और वैसे ऋषभ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ऋषभ ने मेरी तारीफ कभी नहीं की, उसको तो हमेशा मुझसे शिकायत है। उसको मुझ में कभी कोई खूबी नजर नहीं आई, शायद दोष मेरे। अरे अपने लिए कोई और ढूंढ लो, कोई ऐसा जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करे, जो तुम्हारी इज्जत करे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ ऋषभ। वसीयत हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपने हक के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। केशव, तुम्हें प्यार जरूर करता था, लेकिन पत्नी तो नहीं बना सका ना। What the hell यार, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी सड़ा हुआ मुंह खोलने की? क्यों बताया मम्मी को तूने? शिट, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी बड़ी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए नीतू, अब तुम कोई दूध की बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो तुम। मगर इससे पहले भी तो हम मम्मी को सब कुछ बता दिया करते थे, कुछ नहीं छुपाते थे उनसे, हमारी झगड़े की बातें, स्कूल की बातें। अरे तब हम छोटे थे। लेकिन वो तो अब भी हमारी मम्मी है तो, मगर पहले जैसी नहीं। अब उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, जब देखो या तो फोन करती रहती है या पार्टी अटेंड करती है। पापा का भी यही हाल है, कब से नहीं मिले उन्हें, वो तो आजकल मम्मी से भी नहीं मिलते। मुझे लगता है प्यार का मतलब शादी के पहले कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और। तुमने देखा आजकल मम्मी पापा जब भी साथ में घर में होते हैं अक्सर लड़ते ही रहते हैं। पहले कम से कम हमारे सामने तो नहीं लड़ते थे, आजकल तो हम। पहले मम्मी कितनी अच्छी थी, हमेशा हंसती रहती थी, अब जब देखो तो मुंह सूजा रहता है, लगता है बोर हो गई है। बोर? बोर कैसे होंगी, हर वक्त कुछ ना कुछ तो करती रहती है, किटी पार्टीज, क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, क्या 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 नहीं है उन्हें बिजी रखने के लिए। हो सकता है वो पापा से अपने लिए ज्यादा वक्त चाहती हो। पापा तो उनसे भी ज्यादा बिजी रहते हैं, उनकी मीटिंग्स, उनका सफर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कितने थके हुए लगते हैं हमेशा। और केशव ताया जी की मौत के बाद तो काम का बोझ और भी बढ़ गया है। उस दिन मम्मी किसी से फोन पर कह रही थी कि सब इन्हीं को करना पड़ता है। मगर ऋषभ भैया है ना, थोड़ा कुछ तो वो भी संभाल लेते होंगे। नहीं नहीं, मम्मी ये कह रही थी कि काम सारा करेंगे पापा और नाम होगा ऋषभ भैया का। पता नहीं यार, ये बिजनेस की बातें मेरी समझ में नहीं आती। खैर छोड़ो, तुम मुझसे एक वादा करो कि मम्मी के सामने उसका जिक्र नहीं करोगे। किसका? तुम अच्छी तरह जानती हो किसका। ऑलराइट, मान लिया, लेकिन अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मुझे दोष मत देना। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही और कहाँ जा रही, मुझ पे भरोसा रख। हेलो ऋषभ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुम्हारे पास वक्त है मेरे साथ बात करने के लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ, किसी भी इम्पोर्टेंट बात के लिए मेरे पास हमेशा समय होता है, और खास करके तुम्हारी बात के लिए। थैंक यू बेटा, ये कहकर बहुत सुकून पहुंचाया है तुमने मुझे। आजकल बातें नहीं होती है ना, बहुत बिजी हो तुम? हाँ माँ, इन कोर्ट केसेस में बहुत वक्त चला जाता है। इसी बारे में बात करना चाहती थी मैं, मेरे पास कुछ कागजात है। अरे माँ तो पहले क्यों नहीं बताया, मैंने और सुधाकर अंकल ने कितना तलाश किया, हमें तो कोई काम का कागज मिला ही नहीं। कहाँ है तुम्हारे शेयर के सर्टिफिकेट्स? बैंक के लॉकर में है बेटा, लेकिन मैं
शेयर सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रही थी, मेरे पास कुछ और कागजात है, तुम आके देख तो लो। हाँ माँ, पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाय द वे, श्वेतलाना के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? ठीक ही थी, मैं उसे देखना चाहती थी, उससे बात करके उसे जानना चाहती थी कि ऐसी उसमें क्या बात है जो तुम्हारे बाप को मुझमें नजर नहीं। माँ, वो जो कुछ भी था उसने दो जिंदगियों पर सबसे ज्यादा असर किया, तुम्हारी और मेरी। मैं उसे देखने के बाद बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बाप ने उसमें क्या देखा। माँ, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, सवाल ये है कि उन्होंने क्या पाया। और दूसरा सवाल यह है कि तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं माँ, कुछ पूछा क्यों नहीं? शादी के पवित्र बंधन में तुमने दूसरी औरत का दाखला कैसे बर्दाश्त किया माँ? मेरी खामोशी की कहानी बहुत लंबी है बेटा, किसी और वक्त सुनाऊंगी, एक नहीं बहुत सी। मैंने कभी किसी चीज के लिए इतराज नहीं किया, शायद यही मेरी भूल थी। मैंने सोचा बेवफाई की बूंद के लिए क्या डरना, जब आंधी आएगी तो सोचूंगी। लेकिन जब सितलाना आंधी बनकर आई तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकी। वो खामोशी डैडी पर तुम्हारा विश्वास नहीं, लापरवाही थी माँ। मुझे सिखाया गया था कि मर्द, खास करके पैसे वाले मर्द, बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं, लेकिन दौलत रोज रात को एक औरत को बिस्तर तक ला सकती है, ये मुझे कभी सिखाया नहीं गया था। जो बात बचपन में नहीं समझ पाया वो आज समझाऊं। तुम्हें तो डैडी से नफरत हो गई होगी माँ। कभी नहीं, आज भी नहीं। हमारी शादी तो सुहाग रात से ही टूटी शुरू हो गई थी। और शायद इसीलिए तुमने उनसे अलग होने का फैसला किया। और अगर ऐसा है माँ तो इतनी शिकायतें क्यों? आखिर डैडी क्या करते, साधु बन जाते? खैर छोड़ो इन बातों को बेटा, मैं आराम करना चाहती हूँ, उसे जल्दी आकर मिलना है। और सुनो, मेरी कोई भी बात को इतनी सख्ती से मत परखा करो, बस इतना ही चाहती हूँ। आइए मिस सिंह, श्वेतलाना अपने बच्चों के साथ है, दो मिनट में आती है, आइए। आप मुझे देविका बुला सकती हैं, मैं केशव के साथ काम करती थी। यस, उसकी सेक्रेटरी थी, बैठिए। जी जी नहीं, बल्कि कुछ और। मतलब आई वॉज इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, IIM से मैनेजमेंट की डिग्री है मेरे पास। जानकर खुशी हुई, लगता है बहुत लंबे सफर से आई हैं आप, कुछ लेंगी? ओह यस, स्कॉच वुड बी फाइन, केशव स्टॉक में रखते थे। हाँ या श्योर, लेकिन केशव ने तो पिछले 10 साल से पीना छोड़ दिया था, मेरी बेटी ने उसकी जिंदगी को एकदम बदल दिया था। लेकिन फिर भी लीजिए। थैंक यू। डू यू माइंड इफ आई स्मोक? सॉरी। नो, लेकिन एश्ट्रे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि केशव को सिगरेट के स्मोक से बहुत नफरत थी, खास करके जब एयर कंडीशन चल रहा हो तो। सॉरी, घर के कायदे की कदर करनी चाहिए। आई वांट स्मोक। ऑलराइट, थैंक यू। ये लो, श्वेतलाना आ गई। हेलो देविका। हेलो श्वेतलाना, सॉरी बिना बताए चली आई, फोन करने की कोशिश की थी मैंने। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगी ये मुझे पता नहीं था। Well, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ खास बदला नहीं है, सिर्फ पर्दे और अपहोल्स्ट्री। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है देविका, और वैसे ही मुझे पतले पर्दे पसंद नहीं है, इसलिए पहले वाले मैंने हटा दिए। Pity, those were my selection, my favorite colors, purple and gold. मेरी पसंद ज्यादा सादा सूट, मेरा मतलब है भड़कीली नहीं है। जाहिर है, पहले इस घर से मेरी शख्सियत झलकती थी, अब तुम्हारी।
जायज है। तुम क्या चाहते हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी मेहमान नवाजी को मेरी कमजोरी मत समझो, और कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे बाद में पछताना पड़े। खैर आज फर्क ये है तुमने और मुझ में कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पे, छोटी छोटी नौकरियां की एंड गॉट माय सेल्फ अ डैम गुड एजुकेशन। इसी बात का केशव को मुझ पे नाज था, अ सेल्फ मेड वुमन, नो गॉड फादर, नथिंग। तुम यहाँ लौट क्यों आई? यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें? हे वो चीख, मैं यहाँ पैदा हुई थी, पली भी थी, यहाँ क्यों ना लौट के आऊँ? बाय द वे मेरा पासपोर्ट अभी तक इंडियन है। वेस्टर्न चीजें जो मुझे पसंद है दैट्स इंग्लिश अंडरवेयर, फ्रेंच परफ्यूम्स एंड अमेरिकन बोरबॉन एज़ वेल। अब या तो मतलब की बात करो या तो यहाँ से निकल जाओ। मतलब की बात क्या होती है स्वेतलाना? बॉम्बे मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ आ गई, ये घर मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब तुम जाओ देखा, वरना मैं दरवान को बुलाऊंगी और वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ मिलना चाहती थी। Get out of my house. By the way, Keshav used to say one thing. Svetlana has the sexiest temper I've ever seen in a woman. And he was right. Get out of my house and get out of my life. Jao! मम्मी बहुत तेज है, तुम्हें क्या लगता है सब जानती है? हमारी मम्मी कुछ ज्यादा ही शक्की है, हमारे लेटर्स पढ़ती है, हमारी फोन पर बातें सुनती है। लेकिन मैं मम्मी से भी तेज हूँ, मेरा राज राजी है, मम्मी को उसकी भूत तक नहीं लगने दी मैंने। बड़े वहम में रहती हो तुम दीदी, इस गलत फहमी में मत रहना। जिस दिन मम्मी को जरा सी हिंट हो गई ना, इस घर में बम फट जाएगा, बम। इतना भी क्या डरती है यार, मुझे देख मैं कितनी खुश हूँ, हर वक्त प्यार के नशे में रहती हूँ। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगी, तू अभी बच्ची है। क्यों नहीं समझूंगी, सिर्फ कुछ महीनों का फर्क है। कुछ नहीं, पूरे 18 महीने। यू नो कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जनरेशन गैप है। अब तुम बात मत बदलो दीदी, मुझे साफ साफ बताओ क्या तुम इस आदमी के बारे में सीरियस हो? इस आदमी क्यों कहती हो, उसका कोई नाम भी है और वो तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो उसका नाम लेते हुए भी डर लगता है, अगर मम्मी को पता चला, यू नेवर नो, यहाँ कहीं माइक लगा हुआ हो। हाँ हाँ हो सकता है, मत ले तू उसका नाम। प्यार अगर करना ही था तो तुमने एक शादीशुदा आदमी से क्यों किया? अरे मैंने कोई जानबूझकर किया है, बस हो गया। तो जब हो रहा था तो रोक देती। प्यार कोई खेल नहीं है बच्चों, कि इंसान अपने आप को रोक सके। ये सब डायलॉग मत सुनाओ मुझे दीदी, प्यार भी किया तो ऐसे आदमी से जो पॉलिटिक्स में है, पता है ऐसे लोग कितने खतरनाक होते हैं। मेरा ही होगा, छोड़ ना छोड़। स्टूपिड। हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? रितु मैं बोल रहा हूँ, हितेन। हाय हितेन। हाय। सो सॉरी। कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, ये मेरी छोटी बहन है ना, बिल्कुल स्टूपिड है, बच्ची है। हाँ अब गई वो कमरे से, अब नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से। मेरी कल 2-3 मीटिंग है, मगर तुमसे भी मिलना जरूरी है। ऐसा करो कल तुम 6 बजे क्लब पहुँचो। लेकिन हितेन कल 6 बजे तो मुझे मम्मी के साथ शॉपिंग जाना है। डियर मम्मी को मारो गोली, पहले मुझसे वादा किया है वो निभाना सीखो, समझी? लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो, क्लब में मम्मी डैडी को सब जानते हैं। ये मेरा नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम है डियर, इस प्रॉब्लम को हल करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल शाम को हम दोनों का साथ में होना जरूरी है। बाय। बस गई यार, अब ये शॉपिंग के चक्कर से कैसे निकलूं? और शॉपिंग हो भी रही थी मेरे लिए, मुझे कुछ बैग्स और शूज खरीदने थे। तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। कहाँ? शॉपिंग या क्लब? ऑब्वियसली शॉपिंग पर। वैसे अगर तुम इंसिस्ट करो तो मैं क्लब। शट अप नीतू, प्लीज कुछ करना। तुम मम्मी से कहना कि तुम्हें बहुत सारी चीजें आज ही खरीदे, कुछ भी कहना कुछ भी करना, जस्ट कीप मॉम अवे फ्रॉम मी, मम्मी को मुझसे दूर रखना। ठीक है,
पटा लूंगी। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं कोई काम फ्री में नहीं करती। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हारा पिंक दुपट्टा। ठीक है बाबा, ले लेना। स्वेतलाना, क्या चाहिए था उसे? क्यों आई थी वो यहाँ? पता नहीं मामा, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन उसकी यहाँ मौजूदगी मेरे अंदर कुछ हलचल सी मचा दी है। कोई कारण नहीं है उसे डरने का, फिर भी डर रही हूँ मैं। लेकिन तुमने उससे पूछा कि एक्सीडेंट के वक्त वो केशव के साथ क्या कर रही थी? नहीं, वो बात को टाल गई। तो क्या केशव तुम्हें बता के गया था कि वो उससे मिलने जा रहा है? नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। तो फिर ये बात भी परेशानी का कारण है मां। केशव कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, उसके मेरे बीच कोई बात राज नहीं थी। तो फिर उसने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? हो सकता है कि वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझसे सच को छुपाया और आप उसकी इस हरकत को जायज साबित करने की कोशिश कर रही हैं। स्वेतलाना, मैं कुछ भी जायज साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो मामले को समझने की कोशिश कर रही हूँ बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं था। नहीं, हरगिज नहीं। केशव और मैं एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे कि अगर कोई बीच में आ जाता तो फौरन पता चल जाता। तो फिर ये महज इत्तफाक होगा कि उस वक्त वो शहर में होगी। नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। ऐसी मुलाकातें इत्तफाक नहीं होती, प्लान करके होती है। और फिर मिलान एक इतनी बड़ी जगह है, उसमें ऐसा होना नामुमकिन है। केशव ने तुम्हें अपने पुराने अफेयर्स के बारे में बताया? सब कुछ बताया। उसके और मेरे बीच एक बात तय थी कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, न पास्ट के बारे में न प्रेजेंट के बारे में। इसलिए मैं कह रही हूं कि जो भी उन दोनों के बीच था वो खत्म हो गया था। केशव ने उसकी असलियत जान ली थी। उसे मालूम था कि एक ऐसी औरत है जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर तो बात साफ जाहिर है, केशव ने उसे कुछ रुपए देने के लिए उसे वहां बुलाया हो। ये तुम्हारा सोचना सही नहीं हो सकता। केशव कभी किसी के पैसे बाकी नहीं रखता था, 10 रुपए जैसी छोटी सी रकम भी नहीं। तो फिर देविका के पैसे बाकी कैसे हो सकते थे? स्वेतलाना, हो सकता है केशव देविका की खामोशी खरीदना चाहता हो। लेकिन क्या केशव की ऐसी कौन सी बात उसे मालूम हो सकती है जिसे राज रखने के लिए वो उसे रिश्वत दे? वही तो पता करना है। खैर, अभी तुम आराम करो, कल तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। ठीक है, मैं सोने चलती हूँ। गुड नाइट। नानी माँ, पहले मैं, बहुत जरूरी है कि मैं क्या पहनूं? अरे बेटा, एक मिनट, मुझे ठीक से मेजरमेंट तो लिखने दे। नानी माँ प्लीज, पहले मैं, प्लीज ये छोड़ो। अच्छा बाबा, पहले तू बस। हाँ बोल, क्या पहनना चाहती है? कुछ ऐसा कि देखने वालों की आँख खुली खुली रह जाए। मर्दों की आँखें ना, कोई मुश्किल बात नहीं। रंग बता, रंग बता। अगर मुझे ही रंग बताना था तो तुम्हारी रंगीन मिजाज का क्या फायदा? इलेक्ट्रिक ब्लू। जी नहीं, वो बहुत भद्दा कलर है, मुझे सूट नहीं होता। एमरल्ड ग्रीन या तो फिर फरा। ओके, चुड़ैल लगती हूँ मैं हरा पहन के। ओ माँ, इंद्रधनुष यानी रेनबो का कोई कलर बाकी नहीं रहा। एक बाकी है। कौन सा? लाल। बेवकूफ लड़की, पहले से क्यों नहीं बताया कि लाल पहनना चाहती हो? लिबास पहनना चाहती। अरे मौका क्या है वो भी तो बता। भूल गई, कुछ ही महीने पहले तो बताया था आपको, उसका जन्मदिन है। उसका? किसका? इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं नानी माँ। एक ही तो है जिसके नजर के सामने मैं अपने आप को इस दुनिया के सबसे हसीन तरीन लड़की साबित करना चाहती हूँ। ओ माँ, ऋषभ का जन्मदिन है। सत्यानाश कोई याददाश्त का मुझसे पहले बुरी हो रही है। पर ये दिन तो पिछले कई सालों से हर साल आता ही रहता है, फिर मैं कैसे भूल गई? पता पिछले साल क्या पहना था तूने? पिछले साल मैंने सफेद पहना था, और उससे पहले
पीला और उससे पहले ऑरेंज। अरे बस भी करो, इस तरह अगर पीछे जाने लगे ना तो मेरे बचपन तक पहुंच जाएंगे। बहुत सताती हो नानी माँ, हर साल बहुत सताती हो, फिर भी पता नहीं मैं तुम्हारे पास क्यों और चली आती हूँ। अरे मजाक कर रही हो नानी, हूँ तेरी, देखो कुछ संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। कहाँ हो यो ग्रेट नानी माँ, कहाँ है वो? हाँ पीछे कहाँ, अभी 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 बाद में बाद में। ओके वाओ नानी माँ, यू आर द ग्रेटेस्ट। जब ऋषभ मुझे उस लिबास में देखेगा तो बस दुनिया के तमाम लड़कियों को भूल कर मुझे ही देखेगा और मेरे कानों में आकर कहेगा कि बबली आई लव यू। भाई तुम बड़ी ही सख्त जान हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कानून का करियर है ये तुमने खुद चुना या किसी और ने फैसला किया था तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे डैडी का था, 5 साल पहले उनका देहांत हो गया। I'm sorry. वे भी एक माने हुए वकील थे, उसूलों वाले, सिद्धांतों वाले। बदकिस्मती ने इसी ईमानदारी ने उनकी जान ले ली। ईमानदारी ने क्या हुआ था उन्हें? नहीं नहीं, अगर तकलीफ होगी तो मत बताना। एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। करोड़ों का केस था और वो उसकी आखिरी बहस करने वाले थे और ये भी तय था कि जीत उन्हीं की होगी। बट उसी वक्त, इसलिए तुम्हें शक है कि वो हिट एंड रन एक्सीडेंट नहीं मर्डर था? शक? शक नहीं ऋषभ, यकीन। मुझे यकीन है कि वो मर्डर ही था। I'm not afraid to die.